तब ना कोई गरीब के दुर्दशा चिकन चिकन के भाषा सरकार यह लेके चलन हथिन। अपने माननीय विधायक जी मनीष जी से उनको आग्रह करूंगा कि आपके ही चौक पे आके आपके शहर में इन लोग करते हैं, इसके लिए कुछ व्यवस्था इन लोग के लिए वो करें तो और अच्छा लगेगा। ये लोग मिडनाइट आधी रात को उठ के जंगल जाती है। तरह तरह के दोने, कागजी दोने और थर्मोकोल वगैरह से बने प्लेट्स आप सभी उसमें खाते भी होंगे, यूज भी करते होंगे और शायद कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहा है कागज से पत्ते से बने हुए दोने और पत्तल। थोड़ा सा साफ सफाई, थोड़ा सा ये करके उसको यूज किया जाए तो बहुत शुद्ध हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। यहाँ झंडा चौक पे स्थित हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पत्ते तोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग जंगल से लाते हैं, काफी मेहनत मशक्कत से पत्ते को साफ करते हैं, डालियां तोड़ करके लाते हैं और उसके बाद दोने और पत्तल बना करके बेचते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग ग्राहकों से बात करेंगे क्योंकि इनके समय की कुछ पाबंदी है। यहाँ से दत्तवन आपको लेता हुआ देखा गया, खरीदते हुए देखा गया। सबसे पहले ये बताइए फायदा क्या क्या है दत्तवन का और ब्रश से कितने दांत खराब हुए? इनका फायदा ये है सर कि इसे करने के बाद में दांत तो बड़े साफ रहता ही है, एक दांत तो हिलता नहीं है जल्दी। अब ब्रश से ये होता है कि दांत का जो है वो खाली हो जाता है, दांत में जो होता है सब बहुत सारे होने लगता है, वो दांत कमजोर हो जाता है। अच्छा, ये कीटनाशक भी होता है कहीं ना कहीं? जी, आपको पेस्ट यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ता इसमें कि क्या इसको किए। इस सबसे सुविधा है ब्रश करते हैं कि दोबारा वही करते हैं नंबर से, और ये एक मतलब करके हटा दीजिए तो शुद्ध यही माना गया ना सर? शुद्ध यही माना जी गया। और हर पर्व त्यौहार में दत्तवन के ही यूज होता है। कब से ले रहे हैं यहाँ से दत्तवन आप? ये हम हो गया सर 5-6 साल। 5-6 साल क्या स्थिति इन लोगों की देखी है आपने 5-6 सालों में? जी सर, देखिए यही देखते हैं कि ये लोग आते हैं टेम्पू से ले जाते हैं, यहाँ बेचते हैं, नहीं बेचता है कहीं देते होंगे या तो ले जाते होंगे, ठीक है, खाना देते हैं वो तो हम नहीं जानते हैं, मगर हम देखते हैं कि हमेशा आते हैं पत्ता से। यहाँ से बकरी वकरी भी लोग पालते हैं, वो बकरी ले जाते हैं खरीद के, मतलब बहुत साधन है यहाँ से। साधन है जी, साधन है, कहीं स्वच्छ दोने में यहाँ पे खाना के लिए उपलब्ध हो जाता है। उपलब्ध है ये दोना तो हमेशा पूजा में तो यही दोना माना जाता है। वो जो दोना हम लोग जो डिस्पोजल में बेचते हैं वो अशुद्ध है, बाकी दोना ये अच्छा है, पत्ता से ये से, गोंद से, कागज से, प्रिंट से बनता है, बहुत चिपकाता है, उसमें जूठा कट्ठा भी लगा रहता है। अगर ये पत्ता से मिल जाए खाना तो बहुत शुद्ध है, पूजा वूजा में सब चीज यही दाना चाहिए सर। अच्छा, क्या परेशानियां होती होंगी, क्या लगता है इन लोगों को? जैसे सुबह सुबह ये लोग बताए आप टेम्पू से आ जाते हैं, उसके बाद क्या परेशानी होती होगी दुकान के सामने झंडा चौक पे लोग? अभी अभी जैसे 1 घंटा रहेंगे, 9:30 या 9:30 लोग हटा दिया जाएगा यहाँ से, अपना दुकान खोलेंगे, सफाई करवाएंगे कि अगर पत्ता यहाँ तो साफ कर दीजिए, ठीक है। फिर लोग स्थान होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, ये लोग के हमेशा उपलब्ध मिलेगा, किसी टाइम आइए तो मिलेगा, अभी 1 घंटा मिलेगा, दोबारा आइएगा नहीं मिल पाएगा, ठीक है जी हाँ। और यही कि यहाँ से सस्ता में खरीद कर दूसरा आदमी दुकान में बेचता है, मगर इन लोग के स्थाई मिलना चाहिए सर, हम यही कह रहे हैं। नमस्कार, राम परेश रजक सर। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत सही बात करी आपने। अब हम लोग यहाँ की महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, तो अब आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पहली महिला यहाँ पे बैठी हुई है, अब आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा, दत्तवन बेच रही हैं आप और पत्ता बेच रही हैं? 5 रुपए, 5 रुपए करके बेच, 5 रुपए दत्तवन, 5 रुपए बिंडा। अच्छा, वहाँ 5 रुपए देके पल्हा मुठ्ठा। अच्छा, जो बकरी उकरी को खिलाने के काम है। फिर पत्ता लो देके 12 के 30 रुपया, 25 रुपया पत्तल के। अच्छा, कितना शुद्ध होता है दातुन जो है सर? कितना शुद्ध? छठ पूजा हुआ जकरन लगो थी, और कुछ हाँ और कुछ हुआ जकरन लगो थी, सब चीज है सब बने करवो थी। आप बता दीजिए कौन सा जामुन है? भैया वहाँ जामुन है, जामुन वहाँ है, गुलरवे ला ले ला, 5 रुपया 20 रुपया 5 का जाता, 10 रुपया जा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारे पति के श्री सरजू राम। शांति देवी डेली शांति फैलाती है झंडा चौक पे आके, झंडा चौक में शांति देवी। हम यहाँ हो या हम झूठ काल बोल भाई, हमार वहाँ तक चावल वोल मिलो यार कुछ मिलो तो वह मिलो, हम झूठ ना बोले वाला आदमी ने। हेलो, जैसा कि जान रहे डेली चाहे कोई भी मौसम हो, बारिश हो, बादल हो, गर्मी हो, हर दिन डेली आग बैठती है और सभी को पत्ता का सेवा करती है, जानवरों के लिए पत्ता लाती है। कितना मेहनत लगता होगा और क्या इनके लिए होना चाहिए कुछ ऐसी व्यवस्था? एक्चुअली में ये जो मेहनत करती है ना, ये लोग मिडनाइट आधी रात को उठ के जंगल जाती है और जंगल से पत्ते को इकट्ठा करती है,
फिर गांव से पत्ता लेकर आती है और फिर सुबह से पहले मॉर्निंग यानी 4-5 बजे यहाँ पहुँच जाती है शहर में और पत्ते बेची जाती है, तो इससे गुजर बसर करती है। इन लोग व्यवस्था के लिए सरकार को कुछ अहम कदम उठाना चाहिए, ये लोग पूरे फैसिलिटी मिलना चाहिए, कुछ ही नहीं है। आज ये जंगल और पत्ता से ही अपना क्या बेच की जाती होगी, सोचिए। हाँ, ये मैं 20 रुपए में ले आऊँ, 5 है, सही बात। अब कितने इतने सारे कितने लेके आए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए बेच की जाती होंगे। हाँ? उससे गुजर बसर, उसमें उसकी ऑटो की भाड़ा है, आना जाना, और दिन में बैठती उसकी कुछ 2-3 घंटा बैठती, उसका खाना क्या बजाती होगी, गरीब के कितना बच के जेता, तब ना कोई गरीब के दुर्दशा चिकन चिकन के भाषा सरकार यह लेके चलन हथिन जाना, गरीब के देखे ला ना गे देखे, गरीब के देखे ला ना चिकन जब बड़ी भाषा बोल दल का रुपया हो गला और गरीब के दुर्दशा हो गला। अच्छा चाची, आधी रात भोरे भोरे सुबह आप लोग जंगल जाती होंगी, उसके बाद फिर वहाँ कैसे क्या करती हैं, सब चीज बताइए। पता तो रोहिया, दतुन तो रोहिया, और देखे पते देख तो रोहिया, फिर बांधो या पाल्हा, फिर देख लर उर तो रोहिया, सब चीज पूरा टोटले ना तब ना यहाँ आवे। फिर ऑटो का भी भाड़ा देती होंगी? हाँ, ऑटो के 50 रुपया, 100 रुपया ना दबा था, फिर कैसे कहा तो कहाँ से 300-400 रुपया ना 100 रुपया कम से कम डेली है ना, ये लोग 100-150 रुपये ज्यादा ज्यादा कमा जाती है, क्योंकि लोग ग्रुप आती है पूरा एक गाड़ी में। इन लोग का मतलब जो काम कर रही है बहुत मेहनत से काम करती है, बहुत सारा मेहनत करती है इनको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मिस्टर सोहित। मतलब आप भी मानते हैं कि कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, हम तो अपने माननीय विधायक जी मनीष जी से उनको आग्रह करूंगा कि आपके ही चौक पे आके आपके शहर में इन लोग करती है, इसके लिए कुछ व्यवस्था इन लोग के लिए वो करें तो और अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सही बात कही आपने। यहाँ फिर दोबारा से जुड़ते हैं महिला से, कहाँ कौन लेके चले? हाँ, वो बेचे थे बेचारा। अच्छा, कहाँ आपका घर हुआ एग्जैक्ट? जंगल के मयातू, सुरताना मयातू, हम के कोकरो साधनपुर, कोकरो सिमरिया। कितना किलोमीटर है जंगल? बहुत दूर, कम से कम भूल के जा पा रो है, और गाड़ी वाला ऑटो वाला लगता तो कहते देख 50 उन्हें बना देने, तो कहाँ से देवे 50, भूलते भूलते जाइए जे पारो ये वकर हक हमारे वो हक बस ये दर जे दो आदमी है 3 आदमी है बेसी लानो, हम एक आदमी है 2 आदमी तो हम कम ही जानते हैं। बाल बच्चा छोटे छोटे नाती पुता कहाँ जते बेटी पुता। अच्छा, दोना लाकर के जो बनाई है यहाँ पे बनाई? हाँ हाँ ना, घर ने बना के लगाओ ये यहाँ बेचोगे, चाहे यहाँ जगह बनबो ऐसे यहाँ बना के बेचो है बस। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बात कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। देख सकते हैं आप हजारीबाग झंडा चौक पे स्थित हूँ और यहाँ पे दोनों की बाजार लगी है। आप लोगों से भी अनुरोध है, जब भी जरूरत हो तो ऐसे जरूरतमंद के पास आ करके, हम लोग बड़े बड़े मॉल जाते हैं और 1 रुपए भी कम ना वो लोग करते हैं, फिक्स प्राइस रहता है, फिक्स रेट रहता है। लेकिन यहाँ कई लोगों को हमने देखा कि 5 रुपए में भी बोल रहे हैं 4 रुपए में दे देने के लिए, 10 रुपए में भी बोल रहे हैं नहीं 5 रुपए में दे देने के लिए। तो ये चीजें गरीबों के साथ ही और ज्यादा झेलनी पड़ती है गरीबों को, तो इन लोगों के लिए जरूरी उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन लोगों का भी भरण पोषण हो। और दातून की और पत्ते के दोने की क्या महत्ता है ये मुझे आप लोगों की बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद शिक्षित हैं, समझदार हैं, आप लोग खुद जान सकते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए। और मैं गुजारिश करूंगी कि ये अगर विधायक मनीष जायसवाल, हमारे जो सदर विधायक मनीष जायसवाल हैं, उन तक भी ये बात पहुंचे, यहाँ के और समाज सेवी तक भी पहुंचे और इनके उचित व्यवस्था, उचित दुकान के लिए कुछ ना कुछ जरूरत के स्थान जो है मुहैया कराई जाएं, क्योंकि शिक्षा से भी ये लोग वंचित हैं, रोजगार से भी पूर्णतः वंचित हैं, खुद का रोजगार कर रहे हैं जंगलों के भरोसे, प्रकृति के भरोसे रह करके। इसी के साथ अब इजाजत है, मैं अपराजिता पांडे, शुक्रिया।